ये हाईफाई नहीं था, ये आशीर्वाद था भाई, हाईफाई दे दिए। ये बताओ 2020 की नई बहू इस टाइप की हरकत है? हमारे चरण स्पर्श करो बाली के और उसके बाद हमारा आशीर्वाद दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अभी जो साइक्लोन आया था उड़ीसा एंड बंगाल में, उससे किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ होगा। हमारे घर में भी सब लोग अच्छे हैं। पता नहीं हर साल कोई ना कोई एक साइक्लोन आता ही है, स्पेशली उड़ीसा में। लास्ट ईयर इसी टाइम पे एक बड़ा तूफान आया था एंड अगेन ये साल, एंड ये साल तो कोरोना वायरस भी साथ में। तो बस हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सब अच्छे से रहिए, अपना टेक केयर कीजिए, अपनी फैमिली के टेक केयर कीजिए। तो बस यही कहना चाहूँगी। एंड ये वाला जो ब्लॉग है, ये थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों को मिला के मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। तो फ्राइडे वाले दिन, जैसे कि आपको पता है, यानी कि आज जिस दिन ये ब्लॉग पोस्ट होगा, तो ये सावित्री की पूजा है। तो उड़ीसा में वट सावित्री की पूजा भी होती है, तो यूपी बिहार महाराष्ट्र में वट सावित्री की पूजा होती है। बट उड़ीसा में जो सावित्री पूजा होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है, एंड वो जो होता है पूजा वट सावित्री की पूजा, वो हल्का सा डिफरेंट होता है। तो उड़ीसा में जैसे मनाया जाता है, मैं वैसे ही मना रही हूँ। तो उसमें हमें तुलसी का पौधा चाहिए होता है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारे घर में ऑलरेडी था, बट वो थोड़ा सा ख़राब होने लगा था, तो मैं एक नया लेके आई थी। बट यहाँ पे जो मिलता है ना पौधा, उसमें थोड़ा सा रेत ज़्यादा रहता है। तो मेरे पास एक मिट्टी का अच्छा सा पॉट रखा हुआ था, तो मैं उसी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कुछ हाथ पूजा की प्रिपरेशन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दी सावित्री वाले दिन साड़ी पहनना। नॉर्मली मैं हर साल सावित्री में साड़ी पहनती हूँ, साड़ी खरीदती हूँ, पूजा भी साड़ी करती हूँ। बट ये साल लॉकडाउन में ये पॉसिबल नहीं था कि मैं जाके साड़ी खरीदूँ। शॉप्स दो ओपन है, बट बच्चों के साथ कौन जाएगा रिस्क लेके कि साड़ी खरीदने के लिए। तो नॉर्मली मैं दुबई में ज़्यादा साड़ी रखती नहीं हूँ, जब भी कुछ ज़रूरत होता है यहाँ पे हम लोग खरीदते पहन लेते बस हो गया। तो इस पूजा में नई साड़ी की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैं अभी छोटा सा मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैं कुछ आज साड़ी रहती है, तो वो मैंने ओपन किया, उनका देखा, देखती हूँ अगर कुछ होगा तो पहनूंगी, वरना कुछ नए मेरे पास वो रखे हैं, नए कपड़े हैं, बट साड़ी नहीं है, तो वो मैं पूजा कर लेती। बट फाइनली मुझे दो साड़ी मिली है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये, अगर आप लोग मुझे बहुत दिनों से फॉलो करते हैं, तो दुर्गा पूजा में मैंने दो साड़ी ली थी, एक दुर्गा पूजा के लिए, एक दिवाली के लिए। तो दुर्गा पूजा में तो मैंने पहन लिया था, बट दिवाली वाला जो साड़ी है वो रह गया, क्योंकि मेरी दादी सास का देहांत हो गया था, तो हमने दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया था। तो एक सिंपल सी साड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं था। ये ब्लाउज मैंने बाहर से खरीद के लेके आई थी, मतलब ये रेडीमेड वाला ब्लाउज है। तो मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ भी सिलाई विलाई का काम नहीं हुआ है, तो इसको मैं पूजा कर लूँगी, ये वाला साड़ी। एंड ये देखिए, ये है एक कांजीवरम साड़ी। तो ये कितने साल पुराना साड़ी है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। ये है 2017 का साड़ी, ये मेरे सिस्टर इन लॉ के शादी का साड़ी है। तो उनकी शादी हुई थी 2017 दिसंबर को। तो शादी में हम लोग जब गए थे, हनी बनी बहुत छोटे थे, 7-8 महीने के थे, तो वहाँ पे जाके कुछ भी शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए दिल्ली में, तो इसलिए मैं यहाँ से सारा शॉपिंग करके गई थी। तो शादी के लिए मैंने लहंगा खरीदा था, रिसेप्शन के लिए मैंने गाउन खरीदा था, तो वो मैंने पहन लिया था। तो ये जो कांजीवरम साड़ी है, ये जैसे मम्मी का, मतलब मेरी मदर इन लॉ का और मेरी जेठानी का और मेरा, तीनों के लिए कांजीवरम साड़ी हुआ था। तो ये मैंने एक बार भी नहीं पहना है, ये वैसा का वैसा रखा हुआ है, एक बार भी नहीं पहना है। बस रिसेप्शन के अगले दिन ही हम लोग दुबई आ गए थे, बस वन डे स्टिचिंग में मैंने जाके ये ब्लाउज सिलवा लिया था। तो ब्लाउज भी ऐसे ही रखा हुआ है, एंड ये पेटीकोट का देखिए स्टाम्प भी नहीं निकला है। तो ये पूरा नया साड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ ये ऑलरेडी मतलब ऐसे पीको वगैरह हुआ है, एंड ब्लाउज भी मैंने सिलवा लिया है, तो इस वजह से मैं इसको पहन के सोच रही हूँ पूजा कर लूँगी। एंड जो एक नई साड़ी या कुछ भी नया कपड़ा जो पूजा करते हैं, उसमें मैं ये पूजा कर लूँगी, एंड बाद में इसको कभी पहन लूँगी, या पूजा के बाद अगर होगा तो थोड़े टाइम के लिए पहन लूँगी इसको। तो मतलब फाइनली मुझे दो साड़ियाँ मिल गई हैं, नई की नई, तो अब मेरे सावित्री में साड़ी पहन सकती हूँ।
तो गाइस उस दिन जो मंदिर गई थी एक मेहंदी का कोन लेके आई थी, मुझे इतना पसंद नहीं है, मतलब लगाना बस करवा चौथ में लगाती हूँ, वो जीत लगा देते हैं एंड और कभी नहीं लगाती मैं। एंड मतलब आलस आता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ऐसे कुछ आद होम रेमेडीज करना, अपने मतलब स्किन केयर करना, हेयर केयर करना या मेकअप करना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मुझे मतलब अच्छा लगता है, बट हाँ कोई करके दे दे देन अच्छा लगता है, खुद से करने में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट ये लेके आई थी तो वो जो बूमरो डिज़ाइन होता है ना, नॉर्मल सा वही कर दूंगी। एक तो मन नहीं करता है, दूसरा आप अकेले दो बच्चों के साथ में रह रहे हो तो आप कर भी नहीं सकते, अभी तक जीत आए नहीं है। तो अगर मैं मेहंदी अभी लगा दूंगी फिर वो बोलेगा मुझे सुसु जाना है, किसी को पॉटी जाना है, कोई पानी चाहिए, खाना चाहिए, टीवी में ये लगा दो, वो टॉयस दे दो, तो फिर कैसे होगा। इसलिए मैं बस अभी उनको सुसु पॉटी करवा दिया है, भी मैं ये बुमरो डिज़ाइन बनाऊंगी, 10 मिनट से ज़्यादा मैं रखूंगी नहीं, निकाल दूंगी इसको, बस हल्का सा वो जो शगन होता है ना कि हाँ श्रृंगार का सारा सामान करना होता है। देखो उसने एक हाथ में ऑलरेडी लगा, ओके माँ उशो, एक हाथ में ऑलरेडी लगा, उसको दूसरे हाथ में चाहिए, दूसरे हाथ में चाहिए, बन ही नहीं लगा रहा है, यहाँ नहीं महाराज को चाहिए। एक हाथ का मैंने लगा दिया है, दूसरे हाथ का फिर ये निकालूंगी तो ये लगाऊंगी, वरना जीत को बोलूंगी, बट जीत को बोलने पे वो दिखा रहे अपना, दिखा, व्हाट इज दिस बेबी, फ्लावर, फ्लावर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, फ्लावर, नो बट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, मैनी, नहीं बेबी मेहंदी, मेहंदी बनी नहीं लगा रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है। सो गाइस मैं आ गई हूँ रेडी होके पूरा, अभी बस पूजा स्टार्ट करेंगे एंड पीछे का मैंने सोफा हटा दिया ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। बट पूजा करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नॉर्मली ये पूजा कैसी होती है। ये पूजा ना जैसे नए कपड़े, फ्रूट्स एंड सारा श्रृंगार का सामान वो लेके मंदिर जाते हैं, मंदिर में पंडित जी पूजा करके देते हैं, घर आके फिर हम लोग पति की पूजा करते हैं एंड जो नए कपड़े होते हैं वो पहनते हैं एंड फ्रूट्स वगैरह जो पूजा होकर आता है वो खाते हैं। घर पे ये पूजा हम लोग नहीं करते, मंदिर पे करते हैं, बट अभी लॉकडाउन है तो घर पे करेंगे, तो मुझे जैसा आता है मैं वैसे करूँगी, तो प्लीज़ डोंट जज कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, प्लीज़ डोंट जज। एंड मुझे लगता है कि अगर हाँ आप दिल से पूजा कर रहे हो तो कैसे भी करो वो सही होता है, तो मुझे जैसे आता है मैं वैसे करूँगी, तो प्लीज़ डोंट जज। हाँ एंड हनी बनी भी रेडी हो गई कुर्ता पहन के, तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल लिया है, उसके ऊपर एक येलो कलर का कपड़ा डाल देंगे एंड उसके ऊपर एक रेड कलर की चुन्नी है मेरे पास, वो मैं डाल दूँगी। तो नॉर्मली ये सब पूजा में ही यूज़ होता है एंड पूजा के बाद हम इसको रख देते हैं साफ करके, देन जब भी हमारे घर में कोई पूजा होती है हम यही सब यूज़ करते हैं। देन कलश की पहले स्थापना होती है, तो यहाँ पर मैं कलश को मतलब कलश बिठाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा चावल लेके कलश बिठा दूँगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कल यानी कि सैटरडे वाले दिन इंडिया टाइम शाम के 7 बजे एंड यूएई टाइम शाम के 5:30 बजे हम लोग लाइव आएंगे। तो अगर आप और कहीं रहते हैं तो प्लीज़ अपना टाइम देख लीजिएगा, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो लाइव में तो प्लीज़ आइएगा, इंडिया टाइम शाम के 7 बजे एंड यूएई टाइम 5:30 बजे।
तो यहाँ पे मैंने कलश बिठा दिया है, उनके ऊपर भी एक चुन्नी डाल दी है, एंड ये जो हमने तुलसी का पौधा लेके आए थे ना वो मैंने रख दिया है, एंड उनके लिए भी एक चुन्नी, नई चुन्नी लेके आए थे, वो मैं उनको पहना रही हूँ। देन यहाँ पे मैं एक आसन बिठाऊंगी जिसके ऊपर लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो रखेंगे। तो नॉर्मली हम लोग लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो है वो वही पूजा करते हैं। तो उनके लिए भी एक नई चुन्नी लेके आए थे तो उनको भी वही पहना देंगे। एंड यहाँ पे मैं गंगा जल ले रही हूँ एंड थोड़ा सा अगूर जिससे हम लोग नॉर्मली डेली भगवान जी को नहलाते हैं, तो वही लिया है, एंड चारों तरफ मैं वो डाल दूंगी गंगा जल। तो पूरे घर में मैं ये गंगा जल डाल दूंगी, तो जैसे मुझे आता है मैं वैसे ही कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलती हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर, मुझे इतना कुछ पता नहीं है, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है मैं उसी टाइप का ही कर रही हूँ। तो अभी हम लोग बस सिंदूर एंड चंदन लगा देंगे, पहले कलश जी को, देन तुलसी माता को, देन लक्ष्मी नारायण जी के फोटो में। तो यहाँ पे भगवान जी के लिए जीता सुबह सुबह जाके फ्लावर्स लेके आए हैं, एंड ये लोटस फ्लावर लेके आए हैं लक्ष्मी नारायण जी के लिए, तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। तो बस अभी हम लोग जो भी दिया लगा देंगे, एंड जो यहाँ पे मैं जो रेड कलर की जो चूड़ी है ना वो भी तुलसी माता को दो चढ़ा रही हूँ, दिया लगा देंगे। देन जो फ्रूट्स हम लोग नॉर्मली 7 टाइप का फ्रूट जो है वो पूजा करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 7 टाइप का फ्रूट्स ले लिया है, बट सारा मैं भोग नहीं लगा रही हूँ, जितना मुझे भोग लगाना है वही मैं काट के ले रही हूँ। साथ में वहाँ पे सारा मैंने श्रृंगार का सामान, नई साड़ी, वो सब रख दिया है पूजा के लिए। तो चलिए पूजा स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, तो सबसे लास्ट में जो भी हमारा नया सामान, जो नई साड़ी, नया जो भी श्रृंगार का सामान है आपने लिया है उसको हम लोग पूजा कर लेंगे, देन हम लोग सब इसको पहन लेंगे। गाइस पूजा हो गई है, इस पूजा में सावित्री कथा पढ़ा जाता है, बुक मेरे पास है नहीं, मंदिर में मिला नहीं, तो हमने ऑनलाइन ही लगा दिया कथा, तो YouTube में सुन लिया हमने कथा। अब होगी पति परमेश्वर की पूजा, जो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं कि हाँ आओ भाई मेरी पूजा करो, है ना, बाप रे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you.
गई पूजा, सारी पूजा वूजा कर दी इसने मेरी। अब मुझे आज फीलर आ रहा है कि भगवान जी को कैसा फीलर आता होगा ऑन दी अदर एंड बैठ के, जब कोई आपके बस बस एक ही दिन एंड करवा चौथ बस आज 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 वो कहते ना दो ही दिन आते हैं साल में, करवा चौथ और ये सावित्री पूजा, इसमें ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। अभी आप भी तो मेरा बाकी सारे दिन पहाड़ रहते हैं ऊंट के नीचे, आप भी तो अभी श्रृंगार वस्त्र बांटेंगे। ऐसे ही फीलर आ रहा है मुझे तो ठाकुर वाला सिंदूर है। सदा सुहागन रहो, अपनी लंबी आयु के लिए कर रहा हूँ मैं ये बंद। दो मैं पहना देता हूँ बाकी खुद ही लपेट लेगी। बिंदी भी लगानी है? नहीं बिंदी मैंने लगाया हुआ है, पहले किसने लगाया? मैं लगाता मंगलसूत्र पहना, ये मंगलसूत्र नहीं जाएगा। साड़ी 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 खाली ऊपर डाल दो, मैं बाद में पहनूंगी कंघी अंगी ले भाई तेरी जुल्फों पे थोड़ा सा कंघी कर देते हैं। बस 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 ये साड़ी खाली कंधे पे डाल दो, मैं बाद में पहनूंगी। ये मिरर तो देख ले एक बार। देख लिया दिख नहीं रहा। हाँ, दिख रहा ना अपना, अपने चौकड़े नहीं दिख रहे थे कुछ। वैसे कभी प्रधानमंत्री अवार्ड देते हैं ना शॉल वॉल उड़ाते हैं, मेरे से भी वैसे ही काम करा रही है, ऐसे करके शॉल उड़ाए थे ना। चलो जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली इंक्रीज योर हस्बैंड्स लाइफ, सो योर हस्बैंड विल लिव अप टू 100 इयर्स एंड यू विल लिव अप टू 101 इयर्स। So 1 year more after me. Okay? No, that's not possible. नहीं नहीं क्यों नहीं पॉसिबल है, मैं जाऊंगा जो पहले से 100 साल तक के बाद तो एक बार जाना बनता है भाई। 100 साल तक क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं, एक बार हम जाएंगे, एक साल पहले चला जाऊंगा, तेरे लिए सेटिंग वेटिंग भी तो करना पड़ेगा ना, कमरा वमरा लेना पड़ेगा ऊपर। बकवास अपनी बंद करो ठीक है आज के लिए। अच्छा भाई मैं 100 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, तो अभी से चुप ही। सो गाइस हमारी पूजा हो गई है सावित्री की, सत्यवान की, सबकी पूजा हो गई है। हाँ, और हमारी आयु इन्होंने कर दी है 100 साल प्लस, इनकी हो गई 101। 101 नहीं मेरा 99 आपका 100। नहीं नहीं मैं 99 को 100 101 दोनों की सेंचुरी कंप्लीट। नहीं नहीं चलो 101 101 वो एक साल और 101 101 ना। नो 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 नहीं नहीं हो सकता है, क्या पता मैं हनी बनी को भी दादा दादी बनते हुए देखूं, दादा दादी तो नहीं दादा बनते हुए देखूं। तो गाइस होप आप लोगों को आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड एक चीज आप लोगों को बोला जाएंगे, कल यानी कि सैटरडे इंडिया टाइम 7 बजे, दुबई टाइम 5:30 बजे, एंड अपना टाइम आप देख लेना कि कैसा टाइम है, यूएई टाइम 5:30। साहब विद भक्त ऑनलाइन होंगे, आप लाइव आएंगे, हम आप लोगों की खिदमत के लिए लाइव आएंगे, दुबई टाइम 5:30, इंडिया टाइम 7 बजे। Correct. तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, तो आप अपना टाइम चेक कर लीजिएगा, 7 बजे हम लोग लाइव आएंगे, तो मिलते हैं लाइव कल, कल लाइव में। और प्लीज अगर किसी ने नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं 8 to 10 मिनट्स के सावित्री सत्यवान पे, मैंने बहुत सारी खोज करी है, किसी और ब्लॉग में किसी दिन आपको तसल्ली से बताऊंगा। लाइव में बता देना कल। हाँ लाइव में बता देना। तो चलिए होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।